नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में अपन ने चैप्टर 5 में विद्युत धारा से संबंधित टॉपिक पढ़ा, उसके बाद अपन ने देखा कि चालकों में आवेश वाहकों के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, उसमें ऊर्जा पर भी, कमरे के तापमान पर भी। चलो, आज का जो अपना टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, वो ये है अपवहन वेग या अपवाह वेग, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका नाम है अपवहन या अपवाह वेग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और दूसरा इसके साथ टॉपिक आएगा गतिशीलता। तो पहले अपन बात करते हैं अपवहन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। चलो, जैसा कि अपने को पता है बच्चों कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें ऊर्जा पर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। किस में भाई? चालक में। ठीक है, अपने को ये पता है किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रूम टेम्परेचर पर यानी थर्मल एनर्जी पर भी कंडक्टर के अंदर मूव होते रहते हैं, वो भी फ्रीली मूव होते रहते हैं। अर्थात जब ये मूव होते हैं तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों से या अन्य एटम्स से जिसमें कंडक्टर में उपस्थित है मॉलिक्यूल से वो कोलाइड करता रहता है, टक्कर मारता रहता है। ठीक है, तो अपन इसमें कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूव रैंडमली एट रूम टेम्परेचर। ठीक, ड्यू टू दिस दे कोलाइड विथ अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि कमरे के टेम्परेचर पर या थर्मल एनर्जी के कारण वे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव होते रहते हैं। किस प्रकार मूव होते हैं? रैंडमली जिगजैग मोशन करते रहते हैं और टक्कर करने के बाद वापस पुनः किसी अन्य डायरेक्शन के अंदर मूव होने लग जाते हैं। या मान लो एक इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में मूव किया या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल आ गया तो फिर टकरा के इधर मूव होने लग गया, इसके बाद इधर मूव हुआ यहाँ टकराने के बाद, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जिगजैग मोशन करने लगते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि इस कंडीशन के अंदर उनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है या हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो रहती है, यानी कि उसमें ऊर्जा के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल एनर्जी इज जीरो।
जीरो इसलिए होता है क्योंकि वे सारे के सारे जिगजैग मोशन के अंदर होते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी रहती नहीं है। कुछ समय के लिए वो मूव होते हैं, फिर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा कर वापस किसी अन्य डायरेक्शन में मूव होने लग जाते हैं। इस प्रकार उनका रिजल्टेंट अगर अपन देखें या एवरेज वेलोसिटी देखें तो वो टोटली जीरो रहती है, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में उनका वेग नहीं होता। इसके कारण उस कंडक्टर में करंट भी फ्लो नहीं होता। अपने को पता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होने के लिए आवश्यक क्या है, चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी कि आवेश प्रवाह की दर, वो क्या कहलाती है, करंट आई कहलाती है, जिसको हम लोग क्यू अपॉन टी कहते हैं। अगर कोई चार्ज क्यू, जिसको अपन लोग इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडक्टर में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, ऊर्जा के अंतर्गत है, चालक सीधा पड़ा है, तो उसमें करंट फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो है वो शून्य रहता है। अब बात आती है अपवहन वेग क्या है, ठीक है, देखते हैं अपवहन वेग की परिभाषा अब आने वाली है बच्चों। वैसे आपको ये सारी डेफिनेशंस ये सब है एक पेज के रूप में स्क्रीन पे दिखती रहेगी बच्चों, या अगर मैं कुछ कम लिखवाऊँ समय बचत के लिए, क्योंकि थोड़े समय में अपन ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँ समझते हुए, उसके लिए मैंने पेज पे पहले इनकी डेफिनेशंस लिख दी है ताकि आपको स्क्रीन पे दिखता रहे, चल नोट्स बनाने में वो सहायक रहे। अपवहन वेग, उससे पहले एक लाइन समझो बच्चों कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जैसे इधर मूव हुआ, मूव होते यहाँ कोलाइड करेगा, वापस इधर मूव हुआ यहाँ जाके टकराएगा किसी एक इलेक्ट्रॉन या परमाणु से, फिर इधर मूव होगा, इधर मूव होगा, इस प्रकार वो जिगजैग मोशन करता रहता है। ये जो उसका मोशन है, गति है, इसके दौरान लगातार जो टक्कर हो रही है, दो मान लो, एक टक्कर यहाँ हुई दूसरी टक्कर यहाँ हुई, तो इनके बीच में जो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवहन वेग कहलाता है। वास्तव में अपवहन वेग उसमें ऊर्जा के अंतर्गत तो जीरो रहता है, उसमें ऊर्जा जब होती है यानी कि जब हमने कोई विभवांतर या इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर पर नहीं लगाया, केवल कंडक्टर प्लेट रूम टेम्परेचर पर रखी हुई है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के बीच जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका अगर एवरेज लें हर एक पॉइंट्स के बीच का तो वो जीरो रहता है। जैसे हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तब दो क्रमागत टक्करों के बीच वेलोसिटी होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब उसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखेंगे अपन, लेकिन पहले एक बात समझें, कंटिन्यूस टक्करों के मध्य, टक्करों के मध्य औसत तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मध्य मुक्त पथ, क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बच्चों, लेमडा अपन कह सकते हैं द डिस्टेंस या द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलाइड, ठीक है, द ट्रेवल द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन्स इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ कहलाता है। इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। और दूसरी बात कि दो कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है बच्चों उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टी जैसा ही एक सिंबल है, थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं, टाऊ, टाउ अंग्रेजी में टी ए यू, टाउ, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि दो कोलिजन, जैसे एक कोलिजन यहाँ हुआ, टक्कर यहाँ हुई इलेक्ट्रॉन की, दूसरी टक्कर यहाँ जाके हो रही है, तो कितने समय बाद उसकी कोलिजन हो रही है, वो समय जो लग रहा है वो कहलाता है विश्रांति काल, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्रांति काल, क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। दो शब्द दो परिभाषाएँ आ गई है, दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच कवर किए गए पाथ की लेंथ को, कवर्ड पाथ लेंथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच लगने वाला टाइम जो है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टी, उसको टाउ से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तीसरी डेफिनेशन देखो बच्चों जो है अपने
अपवहन वेग से संबंधित। अपवहन वेग को वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पैर में छोटा सा डी लिखते हैं, इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट, डी फॉर ड्रिफ्ट, यानी अपवहन वेग। तो अब छोटी सी परिभाषा इसकी आ जाती है बच्चों, ये अपने काम की है, और बाकी अन्य परिभाषाएं भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। चलो देखते हैं कैसा। बच्चों मैंने अभी कहा कि जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते या चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं इस दौरान ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों आयनों अणुओं आदि से टकराते रहते हैं ठीक है। किससे टकराते रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो है, अदर आयंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे टकराते रहते हैं। अतः अब लाइन सुनना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र यानी कि विभवांतर एक ही बात है, अपन आगे एक रिलेशन लिख लेंगे इनका, विभवांतर आरोपित पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो या इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों वेग अपवहन वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा बच्चों? व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल Across the conductor, when we apply electric field or potential across the conductor, then free electrons move opposite to the direction of electric field. Due to this, free electrons collides, with another electrons, ions and molecules. Thus, अब definition देखो, the velocity of free electron in the presence of electric field, the velocity of free electrons in the presence of electric field between two continuous collision with another
इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड एटम्स, अन्य इलेक्ट्रॉनों, एटम्स, आयंस के साथ दो कोलिजन के बीच जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके प्रेजेंस में बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ये बात समझने वाली है। अब देखो इसकी फॉर्मूला कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं। ये एक फॉर्मूला डिटरमाइन होते ही आगे के काफ़ी सारे फॉर्मूले अपने पास इनको लेते हुए समझ में आ जाएंगे। देखते हैं कैसे। अपन ने एक वेलोसिटी डिटरमाइन की है बच्चों, एक वेलोसिटी ऐसी है बच्चों, अपन एक वेलोसिटी जानते हैं। अब एक बात सुनो कि जब विद्युत क्षेत्र ई मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित होता है, तब इन पर एक बल लगता है। कौन सा बल बच्चों? F इजिकल टू क्यू ई होता है ना, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? F इजिकल टू माइनस ई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो लगता है F इजिकल टू क्यू ई। चूँकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है इसलिए ई ई अपन कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। और एम्पलीट्यूड में लिखेंगे, अगर इसका एम्पलीट्यूड लिखें या मैग्नीट्यूड लिखें तो वो आता है ई ई। पॉजिटिव नेगेटिव सब एक जैसा मान सकते हैं, लेकिन अभी अपन ये लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। चलो, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर, कह सकते हो कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन पर ही है, ऑन कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F इजिकल टू समथिंग, देन एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों का एसिलरेशन क्या होगा बच्चों? आपको पता है F इजिकल टू होता है इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एसिलरेशन। इसका मान क्या आ रहा है? माइनस ई ई आ रहा है, तो A इजिकल टू क्या आ जाएगा? A इजिकल टू आ गया माइनस ई ई बाई स्मॉल है। ये आ गया बच्चों एसिलरेशन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो एसिलरेशन है किसके कारण? उस फोर्स के कारण। जो फोर्स किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। तो उस एसिलरेशन का मान क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स का मान क्या था? माइनस ई ई अपॉन एम। ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्मॉल ई जो है क्या है? स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब सुनो बच्चों, गति के प्रथम समीकरण से, ड्यू टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v इजिकल टू होता है u प्लस ए टी। समीकरण याद है ना, ये 11th क्लास में पढ़ी थी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी बाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इजिकल टू होता है u प्लस ए टी। चूँकि टी टाइम पर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, वो v जो है बच्चों v d के बराबर है, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में एवरेज वेलोसिटी जीरो थी, इसका मतलब u का मान है जीरो प्लस ए टी। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों, जहाँ वेयर u या एवरेज ऑफ यू ए की बात है वो क्या है? जीरो। इसका ये वे कौन सा है बच्चों? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी ये क्या आई थी? जीरो आई थी।
इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में एवरेज वेलोसिटी क्या थी? जीरो। इसका मतलब यू की जगह जीरो ए इंटू टी, तो वी डी इज इक्वल टू ए का मान क्या है? माइनस ई ई बाई एम इंटू टी। अब देखो बच्चों, हमने कह रखा है दो क्रमागत टक्करों के बीच वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय विश्रांति काल है, टाइम रिलैक्सेशन। सिंस बिटवीन टू कॉलिजन, बिटवीन टू कॉलिजन्स टाइम टेकन टी इज इक्वल होता है टाऊ, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी इज इक्वल टू आ जाता है माइनस ई ई बाई एम इंटू टाऊ। ये आ गया बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, यही अपवहन वेग का सूत्र है। दिस इज द कोफिशियंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही अपवहन वेग का सूत्र है। अब याद रखो इसको बच्चों, परिमाण में क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको परिमाण में लिखूं तो VD इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा? E tau by m into E लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। टाउ को E कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किसको करता है बच्चों? नेगेटिव चिन्ह इलेक्ट्रॉन की दिशा या गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा को व्यक्त करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ठीक है, विपरीत दिशा में, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। बस इतना ही तो है, अगर यहीं पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है। चलो बाकी डेरिवेशन और ये सब आपको स्क्रीन पे फिर भी दिख रहा होगा, पहले दिखा होगा। आगे का टॉपिक देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, अगला टॉपिक अपना जो है बच्चों वो है गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। मोबाइलिटी, मोबाइलिटी। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देखो, अपवहन वेग VD व विद्युत क्षेत्र E का अनुपात अनुपात गतिशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? म्यू से। इसे म्यू से, इसको ऐसे लिखते हैं म्यू, यू जैसा है लेकिन फर्स्ट लाइन इसकी पास में से सीधी लंबी होती है थोड़ी, सेकंड थोड़ी कम, म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक नियतांक राशि है बच्चों, जो हमें एकांक विद्युत क्षेत्र पर अपवहन वेग के मान को प्रदर्शित करती है। हम इसको क्या सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, दैट्स ऑल। ये एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। अब देखो इंग्लिश में, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबाइलिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देखो, वैल्यू
ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, चालक में एकांक विद्युत क्षेत्र पर, चालक में एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवहन वेग का मान गतिशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। आगे बात समझ में, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी सही बात है। अब देखो बच्चों, अपवहन वेग का दूसरा और सूत्र इसके साथ क्या आता है? हमें पता है म्यू का मान ये आ गया, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी का मान आपको पता था ना, क्या था बच्चों? ई टाउ बाई एम इंटू ई, ये था, बट्टा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान था। सिंस वी डी इज इक्वल टू क्या था? ई टाउ बाई एम इंटू ई, ठीक है, ई से ही कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया ई टाउ बाई एम। समझ में आई बच्चों आप लोगों के? अपने पास किसका मान आ गया? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का मान आ गया ई टाउ बाई एम। अगर हम कह दें यदि चालक में आवेश Q हो, आवेश Q हो, इफ़ देयर इज चार्ज Q इन कंडक्टर, इफ़ देयर इज चार्ज इन कंडक्टर इज Q, देन म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों Q tau बाई M। याद रखोगे मैन सूत्र अपने पास आ गया ई टाउ बाई एम। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कांस्टेंट होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन, आर ई एल ए एक्स ए टी आई ओ एन, रिलैक्सेशन टाइम। और E का जो मान है वो चार्ज का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब म्यू जो है ना वो एक नियत राशि है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। तो हम कह सकते हैं ये एक मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है कि उसमें चार्ज कितना है या किस प्रकार का चार्ज है, उसकी वैल्यू कितनी है, और वो कोलिजन कितने टाइम बाद करता है। जितना ज़्यादा कोलिजन कम करेगा उसकी गतिशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी, ये याद रखने वाली बात है। यानी कोलिजन के बीच टाइम ज़्यादा लेगा, इसका मतलब एक कोलिजन यहाँ करे एक यहाँ करे, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसकी गतिशीलता जो है वो ज़्यादा होगी, मोबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का है अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। आगे का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए अपने को समझना होगा बच्चों क्या क्या कंसीडरेशन है। एक तो देखनी पड़ेगी अपने कंसीडरेशन कि अपन मान लेते हैं लेट ए कंडक्टर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया। एक चीज ये देखो, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एंड एल लेंथ हैव एन चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम में आवेश वाहक जो है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या एन है। ये तो है कंसीडरेशन। इफ वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द एड्ज ऑफ कंडक्टर, देन
फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे किसके भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम कह सकते हैं माना एक चालक जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, लंबाई उसकी एल है, उसमें प्रति एकांक आयतन में या आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन में आवेश वाहकों का जो घनत्व है वो है एन है। यदि इस पर वी विभवांतर आरोपित किया जाए यदि इसके सिरों पर वी विभवांतर आरोपित किया जाए तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ये तो हो गई हमारी कंसीडरेशन, मिटा देते हैं इसको। कंसीडरेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी सब चीज़ें हैं, फिर भी यहाँ पर समझने वाली बात है। हमने क्या क्या कंसीडर किया उसका चित्र देखना। अभी हमने माना है ये कोई एक तार मान सकते हो आप, तार है। जनरली हम विद्युत धारा तार में ही प्रवाहित करते हैं और तार चालक होता है। ये भी याद रखो प्रकृति में सबसे ज़्यादा चालकता जो है वो चांदी की है। किसकी है? चांदी की। उसके बाद है तांबे की, ठीक है। तांबे के बाद है प्लेटिनम की, ये अलग अलग धातुओं के नाम है, एल्यूमिनियम की, फिर लोहे की, फिर सोने की। तो चांदी के तार तो महंगे होंगे इसलिए हम लोग तांबे के तारों का ज़्यादा उपयोग करते हैं सर्किट में। ये ए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ इसकी है एल, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस इधर है और माइनस टर्मिनल इधर जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, पर समझने वाली बात है। हमने कंसीडरेशन देखनी जरूरी है कि ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है ये सिरा, ये वर्ताकार वाला जो सिरा है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। जैसे ये तार है तो ये वाला जो सिरा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल एरिया बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ। और एक होता है अनुदेधेरे, ये होता है अनुदेधेरे, ये होता है अनुप्रस्थ। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, लेंथ इसकी एल है। तो एरिया इंटू लेंथ करते इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर इसका आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपको ये एरिया पता होना चाहिए इसका, और इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो इस पूरे सिलेंड्रिकल इस मार्कर का वॉल्यूम निकाल सकते हो आप। ऐसे ही कोई भी वायर जो हमने लिया है करंट प्रवाहित करने के लिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को पता हो, मान लिया हमने ए है, लेंथ हमने मेजर कर ली एल है, तो उसका एरिया हो जाएगा ए इंटू एल, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल, क्षेत्रफल इंटू लंबाई उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। सुनने वाली बात देखो बच्चों, आवेश का सूत्र देखो बच्चों, आवेश Q यानी चार्ज Q का सूत्र देखो। चार्ज का मतलब होगा आवेश घनत्व, घ लिख रहा हूँ घनत्व को, इंटू आयतन। आवेश घनत्व इंटू आयतन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, लिख दिया। आवेश घनत्व को हम लिखते हैं N से, किससे लिखते हैं? N से। चार्ज डेंसिटी अंग्रेजी में बोलेंगे इसको, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का होल मल्टीप्लाई कर दो ई से, तो वो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अपने को पता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो एन है, तो पूरे वी आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एन इंटू वी। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ई। तो टोटल आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन वी ई। तो आयतन, आयतन की जगह मैं कहूँगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू ई। तो आवेश क्यू बराबर हो गया एन ए एल ई। पहली बात समझ में आई।
सूत्र सिंपल सा देखो, आवेश का सूत्र क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस पूरे वायर का वॉल्यूम कितना है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, सबको मल्टीप्लाई करते चार्ज का मान आ गया। एक बात और सुनो, ये तो हो गया हमारे पास चार्ज का मान। आगे ये बात लिख सकते हो आप कि आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वो है एरिया इंटू लंबाई AL। फिर हम कह देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में टी समय लेता हो तो टी बराबर आएगा दूरी बटा वेग। आपको पता है इस सिरे से यहाँ तक दूरी कितनी है, एल, और वेग कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा यहाँ से इधर आया था टक्कर करते हुए आएगा, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। क्या बोलते हैं VD, इसका मतलब टी का जो मान है वो आएगा L/VD। तो हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेक टी टाइम्स टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम 1 एड्स टू 2 एड्स, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में समय या लिया गया समय, द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 एड्स टू अनोदर एड्स। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लिया गया समय हो गया हमारे पास टी, उसका मान आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक ही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल, और वेलोसिटी कितनी है, VD, तो L/VD हो गया टाइम टी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब तो उत्तर ही आ गया इसका, देखो आपको पता है करंट का सूत्र क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू होता है आवेश प्रवाह की दर, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम को हम बोलते हैं करंट। तो हम कह देंगे करंट या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बट्टा समय, चार्ज अपॉन टाइम, तो इसको कह देंगे Q/T। क्यू का मान क्या है, NaLe, अपॉन टी का मान क्या है, L/VD। उत्तर देखो बच्चों, बहुत शानदार उत्तर आया है। क्या आंसर आ गया, I इज इक्वल टू VD, ऊपर चला जाएगा L से L कैंसिल, तो NeAVD, दैट्स द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड VD, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड VD। यही अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड VD। ठीक है, ये जो रिलेशन है वो ही है विद्युत धारा और इसके बीच में संबंध। अब आगे का प्रश्न देखो बच्चों, आगे का प्रश्न है अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध, ये भी बहुत समझ इजी है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये संबंध हमें स्थापित करना है बच्चों। क्या करेंगे, सिंपल सी बात, सिंस हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD जो होता है वो क्या होता है, E tau by m into E, यही होता है। यदि
चालक की लंबाई इफ़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, यदि चालक की लंबाई इफ़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, देन ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एल, क्या होता है वी अपॉन एल। तो हमारे पास सिंपल सा उत्तर आ गया बच्चों, वी डी इज इक्वल टू आ गया ई टाउ बाई एम और एल इंटू वी, दैट्स ऑल। इसको ये भी कह सकते हैं वी डी प्रोपोर्शनल टू वी भी कह सकते हैं। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है बच्चों। वी क्या है, विभवांतर। आपको पता है किसी भी कंडक्टर में दो टक्कर के बीच लगने वाला समय नियत होता है, यानी टाउ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है और चालक की लंबाई नियत रहती है। तो जितना ज़्यादा आप विभवांतर अप्लाई करोगे चालक पर, उसका अपवहन वेग उतना ही ज़्यादा आएगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो हो गया बच्चों अपने टॉपिक। अब देखो आगे का, आगे है ओम का नियम और उसका निगमन, ये भी समझने वाली बात है बच्चों, बहुत शानदार टॉपिक है ये भी, ओम का नियम और इसका निगमन। पहले ओम का नियम, 10th क्लास में आप पढ़ते आए हो, 10th के बाद सब बच्चों को याद हो जाता है कि V बराबर आई आर होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, सिंपल सी बात है। कई परिभाषाएं बच्चे उल्टे लिख देते हैं, परिभाषा ऐसे कि विभवांतर है वो धारा के समानुपाती, ये परिभाषा नहीं होती बच्चों। परिभाषा देखो, यदि चालक की भौतिक अवस्था नियत रखें, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे, इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, अवस्था नियत रखें, फिजिकल अवस्था कौन कौन सी है बच्चों, कोष्टक में पहले लिख देता हूँ, फिजिकल अवस्था जैसे लंबाई है, चालक की लंबाई मत बदलो, ताप मत बदलो उसका, लंबाई ताप, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रकृति आदि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आदि नियत रहे, क्या रहे नियत रहे, तो लास्ट एक ही लाइन में उत्तर है इसका, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये बात समझने वाले, विद्युत धारा आई उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है, सिंपल सी बात। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, अंग्रेजी में क्या है, इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, लाइक लेंथ है, टेम्परेचर है, क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सेट्रा ETC, रिमेन कांस्टेंट, देन लास्ट लाइन में बस, देन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर पर अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। अब होता क्या है बच्चों, अक्सर अपन लोग लिख देते हैं आई वी इज इक्वल टू आई आर, लेकिन नहीं, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है बच्चों, आई प्रोपोर्शनल टू वी। अब होता क्या है, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है, करंट है वो वी के प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो I इज इक्वल टू आ गया V अपोन R, कॉन्स्टेंट के रूप में 1 अपोन R आया है बच्चों, ठीक है, 1 अपोन R इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R। अब हम कह देंगे जहां वेहर R जो है वो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम है। अब प्रतिरोध की परिभाषा का क्या बन जाएगा, देखो ये ओम का नियम हो गया, यही ओम का नियम है, ये लिख सकते हो, यही ओम का नियम है, ठीक है। अब लिख देंगे प्रतिरोध की परिभाषा, एक देखना समझना, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये सिंबल है ओम का। इसका मात्रक क्या है? ओम। वेयर आर इज रेजिस्टेंस, इट्स यूनिट इज ओम। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द ऑफेंस या ऑब्स्टेकल, द बैरियर, पेनिट्रेशन, दोनों बात सही है, द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट्स ऐसा यूनिट इज क्या है? ओम है बच्चों। अब देखो ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम को हम लोग उत्पन्न कैसे करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है ये भी, ओम के नियम का निगमन कैसे करेंगे। देखो इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, यदि आई तथा वी के मध्य ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसका स्लोप और इसकी ढाल प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, देन वी फाउंड ए स्ट्राइट लाइन एंड इट्स स्लोप रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये करंट आई, ये वी, कई बच्चे आई को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और वी को यहाँ, जो कि एक प्रकार से गलत है, क्योंकि कारण नीचे आता है और इसके कारण इंड्यूज क्या हुआ इधर आता है, यानी विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो कारण नीचे और जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो यहाँ पर, तो स्ट्राइट लाइन आएगी बच्चों। क्या आएगी? स्ट्राइट लाइन, कि नहीं, दो पॉइंट पर हम देखेंगे कि करंट का मान कितना है, आई
और उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल कितना है, वी। दूसरे इस पॉइंट पे देखेंगे आई का मान जितना था उसके रेस्पेक्ट में वी कितना है ये। तो यहाँ से वी टू और वी वन का डिफरेंस ले लेंगे तो वो तो आएगा ये, इसको कहेंगे डेल्टा वी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा डेल्टा आई, यानी कि यहाँ पर ये डेल्टा आई। तो स्लोप का मतलब होता है ये मान, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप एक प्रकार से टेन थीटा के बराबर होता है। यहाँ एक ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन जैसा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का मतलब स्लोप में ये परपेंडिकुलर जो लाइन है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिस्टेंस या ये जो सेपरेशन है वो करंट का है, और ये जो सेपरेशन है वो है पोटेंशियल का। तो टेन थीटा बराबर आएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, जो किसके बराबर होता है, वन अपॉन आर के। किसके बराबर होगा, वन अपॉन आर। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप है वो आर का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है वन अपॉन में, एक के बट्टा में। तो मैंने ये लिखा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है क्या, स्लोप, इसका ढाल प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, वन अपॉन आर के बराबर आता है। ये था हमारा आज का बच्चों टॉपिक। छोटा सा एक टॉपिक और बचा है इसमें, वो है रिलेशन, वो भी ओम के नियम का निगमन जिसको कह सकते हैं हम लोग। अपना आपका टॉपिक क्या है, ओम के नियम का व्युत्पन्न। ओम के नियम का व्युत्पन्न या ओम का नियम का व्युत्पन्न कह सकते हैं। अपने को क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए बच्चों, और वो किसके बराबर आनी चाहिए, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर के बराबर आनी चाहिए, या फिर V इज इक्वल टू आई आर आना चाहिए। ठीक है, ये दो रिलेशन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान है। चूंकि विद्युत धारा जो है ना, करंट I का मान वो था हमारे पास N E A V D, N E A V D। देखो बच्चों, I इज इक्वल टू N E A पड़ा है, V D का मान आपको पता है क्या था, E tau by M into E, ये पता है V D, drift velocity, E tau by M into E होता है। अब कह रहे हैं चूंकि चालक की लंबाई L हो, तो since the length of conductor is L, then आपको पता है E is equal to होता है potential difference upon length, तो current I is equal to क्या हो गया, N E इंटू E क्या हो गया, E स्क्वायर, tau का tau पड़ा है, ये A भी पड़ा है और अपॉन M भी पड़ा है, ये L और आ गया नीचे, E की जगह आ गया V अपॉन L, तो L इधर लिख दिया और V यहाँ लिख दिया। देखो N E इंटू E, E स्क्वायर, tau का मान रखा, A का मान रखा, बट्टा M रखा, अब E की जगह क्या रख दिया, V अपॉन L, तो V अपॉन L एक साथ लिखो, चलो। ठीक, समझने वाली बात है बच्चों, I इज इक्वल टू आ गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ए अपॉन एल इंटू वी, यही तो ओम का नियम है बच्चों। अगर इस पूरे बीच वाले इस पूरे मान को R में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों, मैंने डायरेक्ट सीधे छोटे सूत्र में डिटरमाइन कर दिया इसको, जे वगैरह कुछ माना ही नहीं। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर में कन्वर्ट करूं इसको मैं, तो वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई आर, जहां यहां आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, I इज इक्वल टू इसके ऊपर वाले स्टेप में V के बट्टा में ये सारी चीज़ लिख सकते हो, V अपॉन
ये सारी बात लिख सकते हो ऊपर। कैसे? ये ml जो है ना, इसके बट्टा में ये चीज़ और लिख देते हैं, तो ml बट्टा में आ जाएगा n e square tau a। देखो ये घूम के वापस ऊपर जाएगा, समीकरण यही बन जाएगी। ये नीचे वाला मान r का है, i = v / r, जहाँ r का जो मान है वो है बच्चों ml / n e square tau a। ये क्या है बच्चों? प्रतिरोध, ठीक है। और दूसरी देखने वाली बात है, r proportional to हो रहा है l के, inversely proportional हो रहा है a के। तो ये जो कांस्टेंट चीज़ बची है, ये r = हो जाएगा ρ l / a। ये जो रो है ये कहलाती है प्रतिरोधकता। क्या कहलाती है? रेसिस्टिविटी। रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो, रो का मान क्या आ जाएगा? m / n e square tau। याद रखो इन सब को बच्चों, ये मान मैंने कहाँ फिट किया है? यहाँ पर। ढंग से देखो, ये जो मान है ना, ये इस रो का है, इसको बोलते हैं रो, ठीक। l और a, जितना तार की लंबाई ज़्यादा होगी प्रतिरोध उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तार जितना पतला होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए अपने घरों में जो तार आते हैं बाहर से, वो मोटे होते हैं ताकि उसका प्रतिरोध कम से कम हो, रेजिस्टेंस कम से कम हो, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम रखा जाता है। इससे अपने को पता चल रहा है m, n, e, tau ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब r जो है प्रोपोर्शनल टू है l / a के। नियम तो यहीं शुद्ध हो गया, ठीक है। नियम तो यहाँ सिद्ध हो गया, हैंस प्रूड, यहाँ कह सकते हो हैंस प्रूड HP, ठीक है। उसके बाद जहाँ r का मान क्या है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाते हैं तो रो आता है, रो का मान क्या है? m / n e square tau। इसका उल्टा और देखो, चालकता, एक होता है चालकता, कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा। और इसको क्या बोलते हैं? रो। याद रखो सिग्मा और रो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिसकी चालकता ज़्यादा है उसकी प्रतिरोधकता कम, और जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा उसकी चालकता कम। तो सिग्मा चालकता, चालकता कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। तो इसका उल्टा कर दो तो सिग्मा का मान आ जाएगा n e square tau / m, दैट्स ऑल, ठीक है। उत्तर खत्म, ओके बेटा। चलो आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म। एक छोटा सा रिलेशन इससे शुरू शुरू में आप इसको बना सकते हो, i = जैसे था ना n e a v d जो था, उसको आप यहाँ ला के i / a में बदल सकते हो। ये कहीं कोष्टक में आगे लिख देना चाहिए। i / a को बोलते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, जो आ जाएगा n e v d के बराबर। इसको बोलते हैं j, धारा घनत्व। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। j का मान ये नीचे लिख सकते हो आप, सब के नीचे। n e v d का मान क्या था? e tau / m e। ये पास में लाते क्या बन जाएगा? n e square tau / m। आपको याद होगा ये मान किसका है? सिग्मा का। ये मान किसका है? सिग्मा का। तो ये सूत्र क्या बन गया फाइनल आंसर? j = σe बन गया। सदिश राशि है दोनों, दैट्स ऑल। ये मान सिग्मा का e पड़ा ही है, ये मान कहाँ से आया? इस VD से। a इसके बट्टा में जाता है, ये धारा घनत्व बन जाता है, तो धारा घनत्व का एक संबंध ये भी आ जाता है। इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि
सिग्मा का मान ज्ञात करो, रो का मान ज्ञात करो, या ओम के नियम का सत्यापन करो जो हमने किया था। यहाँ I इजिकल टू वी अपॉन आर वाला ये जो ओम का नियम ही था, समीकरण दो है वो ओम के नियम को प्रदर्शित करती है, ऐसे लिख सकते हो नीचे। इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स द ओम से लो। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें।